हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुराज कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर पिंच स्टार के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे। हमने जी आपको पिछली सारी नुस्खे की वीडियो बताई कंप्लीट डिटेल के साथ सारी, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह लगा के देखें कबूतर शाम को बैठेंगे। आज जी सबसे इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो का जो है उनवान है, जिसे कहते हैं कि कबूतर की संभाल कैसे करनी है। देखें कबूतर की संभाल बड़ी ज़रूरी है। याद रखिएगा वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा, अगली दफ़ा जब नुस्खे से अगली दफ़ा दोबारा लगाएंगे, जिसकी संभाल अच्छी हुई होगी कबूतर की, वही उस पर उड़ेगा। मैं जी फ्लाइंग सेटअप पे जा रहा हूँ, तो उधर चल के आपको ज़रा नुस्खे का रिवाइंड करके बताएंगे कि हमने पिछले दफ़ा नुस्खा बताया वो किस तरह था। थोड़ा सा ज़रा क्योंकि नए व्यूवर्स भी हैं उनको भी पता चल जाएगा, तो ज़रा फ्लाइंग सेटअप पे चलते हैं, बाकी वीडियो वहाँ चल के बताते हैं। अल्लाह हाफिज़। आज इमरान हाशमी हमारे फिर साथ है। सलाम करें जी पहले। वालेकुम सलाम। इमरान हाशमी जी सारा सिखा रहे हैं उसको। इमरान हाशमी को काफी तक सीख गया, आज कबूतर मेंटेन कर रहा है, तो कबूतरों में भी आएंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं कि हाँ बिल्कुल पीछे कह रहे हैं जी, पीछे देखें कबूतर माशाल्लाह फिट है, शाबाश, बड़े अच्छे इमरान हाशमी ने कबूतर संभाले, माशाल्लाह फिट जा रहे कबूतर। तो मैं आपको बता रहा था कि जो है नुस्खा देने का मकसद क्या था कि यार आपको किसी की मोहताजी ना हो। देखिए मैंने आपको बताया मेन कबूतर परवरी में जिस बंदे को कबूतर उड़ाने आ गए ना, वो समझे कामयाब हो गया, वो उस्ताद बन गया कबूतर। यार देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक होता है कि असल में नुस्खे का नुस्खा वही है, उसको सिर्फ आपने हल्का या ज्यादा करके आपने लगाना है कबूतर को, और दैट्स इट, यही कबूतर परवरी है। जो आपको वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा बताया ना, जिसको ये लगाना यानी कि कम ज्यादा करना आ गया ना कबूतर की बॉडी को देख के, तो बस समझ ले वो कामयाब है। अच्छा मैं जरा थोड़ा सा रिवाइंड कर दूं ताकि अगर नए व्यूवर्स देखने वाले हैं कि वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा है क्या, उनको जरा पता चल जाए तेज क्या है और हल्का क्या है। क्यों जी? दोनों बता दें, दोनों बता देते हैं। हाँ कुछ रह गया हो, बड़ी अच्छी बात की, कुछ रह गया हो तो आज के लिए करते हैं क्विक रिवाइंड जल्दी से। एक था जी वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा तेज, एक था जी हल्का नुस्खा। पहले जरा तेज पे आते हैं, जो तेज नुस्खा है ना वो किसको कबूतर को लगाते हैं, जो इंतहाई मनहूस आड़ आराम कबूतर आपकी गुड्डे का है ना, मसलन सुबह 6 बजे पल्ला मारा, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे भी वाला भी है, मनहूस ही है, इससे ऊपर नहीं जाता, उसको आपने तेज वाला नुस्खा लगाना है। और जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो बाजियां लगती हैं, उसमें भी आपने 5 वाला जो तेज नुस्खा है वो ही लगाना है। लेकिन बच्चे के, चूंकि बच्चे कुछ कमजोर होते हैं, कुछ पतले से होते हैं, कुछ जरा बारीक हुए होते हैं उड़ उड़ के, और जो जरा मोटे होते हैं उनकी आपने क्वांटिटी कैसे सेट करनी है आपको बताता हूं। 5 तेज वाला जो नुस्खा हमारा 5 टैबलेट वाला है, उसमें क्या क्या है, पहली टैबलेट है जी मोटी वॉल, दूसरी है जी मॉडर्न, तीसरी है जी अपना कॉन्कर, चौथी है जी लो प्रिंट 10 mg, लो प्रिंट 75 mg, कॉन्कर है 10 mg, ठीक है, और 5वीं टैबलेट है मैथिकोबाल 500 mg की। ये है जी 5 वर्ल्ड चैंपियन नुस्खा। मुझे कोई ना कहे कि इनमें से कोई मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि यार पिछली दफा कभी कई दोस्तों ने उनमें से एक टैबलेट नहीं मिली, दूसरी बीच में डाली कबूतर गिर गया, उन्होंने कहा जी नुस्खे दे लगता है कि पंगा है, हालांकि ये नहीं बताया बाद में कि यार एक मिली नहीं, मैंने दूसरी डाल दी। मैंने आपको बताया ये 5 गोलियों का आपस में ऐसा जॉइंट कॉम्बिनेशन है कि ये एक दूसरे के, समझ ले कबूतर की ताकत में ये 5 टैबलेट है। लगाना किस तरह है, आपने 5ों गोलियों को आपने पीस के मुलायम पाउडर कर लेना है। आपने याद रखिएगा जो कूटने वाली जो आपकी छोटी सी जो होगी चीज, जिसमें भी आप कूट रहे हैं, उसको इंतहाई साफ सुथरा रखना है, मट्टी के जर्रे ना हो उसके अंदर, उसमें मुलायम पाउडर करके उसको उसी के प्लेट में एक डाल लें। कई मेरे दोस्त कह रहे जी सानू पता नहीं चल रहा है किस तरह कैप्सूल बनाइए की करिए, तो आपकी आसानी के लिए मैंने बताया था सारे पाउडर 5ों टैबलेट के प्लेट में निकाल लें, प्लेट में निकाल के प्लेट में ही बराबर के 5 हिस्से कर लें, तो उसको कैप्सूल में भर लें। जिन दोस्तों को कैप्सूल नहीं मिले, मैंने क्या बताया था, जो सबसे सस्ता मनहूस जो कैप्सूल मेडिकल स्टोर वाले के पास पड़ा हो, 1.5-2 रुपए के मिल जाते हैं 250 mg वाले, वो ले आए, उसको खाली करके 5 कैप्सूल बना के रख लें। दूसरी बात, बच्चों को कैसे लगाना है, मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था बच्चे जो कमजोर हों 5 वाला लगाना है उनको नुस्खा, लेकिन हल्का कर लेना है। मसलन जहां पे आपने ये 5 कैप्सूल बनाए ना, 5 पाउडर के 5 हिस्से किए, वहां पे आप 7 हिस्से कर लें, हल्का कर लें इसको। अब आपने देखना ये है कि तेज नुस्खे में कोई कबूतर भी है, मसलन कबूतर 2-3 साल का है, ठीक है, उसको आपने 5 वाले लगाना है। एक कबूतर होता है जरा पट्टा है और हल्का है, उसको आप 7 वाले गोलियां बना के 7 वाला कैप्सूल लगा दें। देखे यार मकसद यह है घर बिठाना कबूतर, दड़ा नहीं मारना। दड़ा मारना क्या होता है जी, वो ला दे 5 नू देखी जाएगी, एक ते बह ही जाएगा, ये काम नहीं करना। क्यों भाई? एक बिठाना नहीं है, हमने पूरे 5ों घर बिठाने और अगले की आंखें खुली रह जाए, ठीक है,
दूसरी बात ये था जी तेज नुस्खा, आपको बताया है, बच्चों को लगाते हैं और हड हराम नस्ली जो होते हैं उनको लगाते हैं। अच्छा हाँ, 5 टैबलेट वाला। अच्छा जी, अब जो है ना वो जो है मैंने आपको बताना था कि दूसरा मैंने आपको नुस्खा बताया था कि लगातार बाजियां हो या एक कबूतर आपका अच्छे कबूतर 12-1 बजे के पार बैठ रहे हैं उनको कैसे लगाना है। और जो लो फ्लायर वाले मेरे दोस्त हैं वो मोड़ लगाते हैं, मसलन आज उड़ाए शाम तक उसको कबूतर को तैयार किया, अगले दिन वही कबूतर दोबारा उड़ाया, मोड़ दोबारा कैप्सूल लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, उसको क्या करना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसको आपने क्या करना है, कबूतर को अब आपने वर्ल्ड चैंपियन नुस्खे की टैबलेट चेंज कर देनी है। कैसे? मोटीवॉल मॉडर्न एक एक गोली रहेगी, ठीक है, आपने 2 कॉन्कर कर देनी है, 2 लोप्रिन कर देनी है, 2 मैथिकोबाल कर देनी है, ये टोटल हो जाएगी 8 टैबलेट। याद रखिएगा मेरी बात, मुझे मैं बाद में मुझे कोई ना कहे कि यार हमें समझ नहीं है, मैं एक एक चीज हल्की एक एक देखिए बायफर्केट करके बताता हूँ, अलग-अलग क्यों बताता हूँ, सबको समझ आ जाए। हमारा मोटिव क्या है? अच्छे उस्ताद बनाना। 9 शागिर्द, कोई शागिर्द नहीं, सब अच्छे उस्ताद मैंने देख रहे हैं, मुझे सबने पता चलना चाहिए, माशाल्लाह 60-70 से ज्यादा तादाद हो गई अच्छे उस्ताद, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दूसरी बात, वो लगाना बताना कैसे, 8 टैबलेट को रख के पाउडर, मुलायम पाउडर कर लेना है, ठीक है। अब उस मुलायम पाउडर को आपने क्या करना है, 12 या 13 कैप्सूल बना लेने हैं। मेरी बात समझ गए आप, 12 या 13 कैप्सूल बना लेने हैं, मजीद हल्का करते जाएंगे। अब आपने एक आपके मसलन देखे, ये हमारे कबूतर भी जी पूरे 35 दिन आज इनको हो गए हैं, 3 इंच से बड़े पार हो गए, 3 इंचों से 35 दिन, 3 इंच ये आपका पोर जो है ना, 1-1 इंच के ये 3 इंच का पोर होता है, इससे ज्यादा थोड़े थोड़े बड़े पार हो गए, वो देखे ठापे मार के ऊपर बैठ रहे कबूतर, 35 दिन हो गए, लेकिन हमने पूरे 45 दिन बाद छोड़ना है। क्या मैंने बताया था, पूरे 45 दिन बाद कबूतर का पार पूरा होता है। अच्छा आप पहले उधर आ जाए, हमने क्या करना है, नए कबूतर फर्ज कर लें आपने इनको गेड़ा, वो नहीं गिड़ रहे घंटे घंटे डेढ़ घंटा फिर रहे हैं, आपने ये वाला हल्का नुस्खा जो है ना 13-14 कैप्सूल बना लेनी है या 12-13 कैप्सूल वाला बना लेना है, 8 गोलियों वाला, 8 टैबलेट वाला, इसके 12 या 13 कैप्सूल बना के टेस्ट के तौर पे सिर्फ एक एक बार कबूतरों को लगा के उड़ा लेना, कबूतर एकदम तंबल उसका खुल जाएगा, कबूतर 3-4 घंटे मारेगा तंबल खुल जाएगा उसका। यार दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा, पिछले साल कबूतर गुवाने की दोस्तों की वजह पता क्या थी, चस्के के तौर पे लगा रहे हैं, आज अज लाया चल 3 दिन बाद फेल ला रहा, देखिए बड़ा मजा आया, बड़ा चस्का आया, बड़ा ही मजा आया है, वीलॉगर पिछले साल ने दसिया सी। अच्छा उससे क्या हुआ जी, वो हफ्ते में 2-2, 3-3 दफा लाया है, वो कबूतर बेचारा भी कहता है परा मरो मेरी जान छो मैं जा रहा जी। संभाल बड़ी जरूरी है, आज की वीडियो ही संभाल पे है। अच्छा आपने इस तरह करके लगाना है, जो कबूतर 12-1 बजे बैठ रहा है 8 टैबलेट वाला उसको हल्के वाला नुस्खा लगाना है कि वो तकरीबन 4-5 बजे के बाद आ जाए। दूसरी बात, जो नए जो मोड़ लगाते हैं स्पेशली लो फ्लायर वाले, उसको भी ये 8 वाले लगाना है। तीसरी बात, वो जो कबूतर आपके मैंने आपको बताया है कि जो क्या कहते हैं ये एक दिन छोड़ के एक दिन बाजी होती है, मसलन एक दिन छोड़ के एक दिन रेस्ट, एक दिन छोड़ के, उनको भी ऐसे ही लगाना है बिल्कुल। ये 3 चीजें, एक कबूतर 12-1 बजे जो बैठता है उसको भी ये हल्का 8 टैबलेट वाला, जो एक दिन छोड़ के एक दिन बाजी होती है उसको भी 8 टैबलेट वाला हल्का, और इसी तरह जो मोड़ लगाते हैं सिंध के काफी दोस्त मेरे जो लो फ्लायर वाले हैं उन सबको आपने ये वाला लगाना है। लेकिन हो गया, अब कबूतर गुवाने की मेन आज रीजन जो वीडियो बनाने के मकसद है वो ये है कि संभाल कैसे करनी है। मैंने दोस्तों आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था कि यार गर्म पानी की वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैंने समझा कि यार नहीं, कि पहले जो है ना हम उसको बना लेते हैं, ये संभाल का तरीका बताते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो गर्म पानी की बनाएंगे कि गर्म करके कबूतर को कैसे उड़ाते हैं, यानी कि चूल्हे तो रख दा कबूतर गर्म हो गया ये काम नहीं करना, लेकिन आपको पूरा तरीका इंशाल्लाह बताएंगे करना क्या होता है, ठंडा करने का बताएंगे आपको, अभी बड़ा कुछ बताना है आपको, पूरा उस्ताद बनाना है, कोई पूछ ले उनको आदरा मैं कबूतर तनु उड़ा के दिखावा किस तरह उड़ाई देने। अच्छा खैर अभी संभाल पे आते हैं, देखिए आपने करना क्या है, संभाल का सबसे पहला असूल देखिए, आपको बड़े बड़े यहाँ पे उस्ताद मिलेंगे, क्यों भी तनु भी बड़े बड़े मिलेंगे, और मोटे कुटन वाले बाजू कितने गए, वो बाजू अच्छा नहीं छोटा ये बाजू हले, कोई गल नहीं हो जाएगा सही। अच्छा मैं भी कैप्सूल बनवाना है, हां ए भी कैप्सूल बनाना है, ए सेहत दे भी ते एनु भी ताकि पता लगे कि कैप्सूल केहो जे लाना है, ते इंशाल्लाह अदर सेहत बन जाएगी कोई गल नहीं। अच्छा आपने क्या करना है कि जिस सबसे पहले आपको जो बड़े बड़े उस्ताद मिलेंगे ना वो कहेंगे फला फला शागिर्द नूं भाई मेरी गल सुन लै, ठंडा जिहड़ा पानी हूं ओहदे ते 25,000 रुपए लगना है, मैं सुचे मोती मंगवाने ने 5 लाख रुपए दे आ रहे ने ते 25,000 तू पा लै। अच्छा जी उन्हें की करना है, और 10-15 शागिर्दा को 20-25,000 पा के, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, देखिए यार मैं आपको एक बात बताऊं,
मैं नहायत माजरत के साथ, कोई इस चीज को बुरा ना माने उस्ताद यार, मैं ये देखिए एक आपको फैक्ट बताता हूँ, बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, मैं अच्छे उस्तादों की बात नहीं कर रहा, जो अच्छे उस्ताद हैं यार, जो अच्छे लॉयल तरीके से अपने शागिर्दों को ट्रेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सलाम है उनको, यकीन माने मैं, मेरे अपने उस्ताद है यार, मैं इज्जत की है, हमेशा इज्जत की है, इज्जत करवाई है, कभी यार उनको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद है, मैं एमी नहीं उनका खलीफा बना, मेरे उन्होंने कहा यार है ट्रेंड हो गया एडू तो हमें तो बनी बनाई गेम मिल गई, जोड़े सारे उनके बने बनाए हमें मिल गए। खैर तो करना क्या था, करना की है कि जी वो काम ना करना, वो उस्ताद जरा ओ जी ओ तू भी पंजी दे ओ 15-20 शकीरत होते हैं सबसे पंजी लै गए, पता लगता जी 7-8 लाख रुपए जेब च पाया है। अच्छा तो हूँ पानी कि बने है वह मैं तुम्हें दस दिना, आपने सबसे पहले कबूतर का पला मारा है, कबूतर का पला मार के आपने सबसे पहले मेडिकल स्टोर से एक पेडिट्रॉल लेके आना है। पेडिट्रॉल क्या होता है अगर आपसे कोई पूछ ले, देखिए मैं आपको साथ साथ क्यों बता रहा हूं, आपको किसी को मैं ना पूछूं समझो कि कोई आपसे ये पूछे आप कहे जी मनु तो पता ही नहीं। पेडिट्रॉल होता क्या है, पेडिट्रॉल बेसिकली इंसानों को देते हैं जिसमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाता है, नमकियात की कमी हो जाती है, या कुवते मुदाफत कम हो जाती है। मनु लाद मैं भी डॉक्टर नहीं बन गया है। अच्छा ऐसे बात ही कर ले, ये पेडिट्रॉल उनको देते हैं। पेडिट्रॉल बेसिकली करता क्या है ये आपको मैंने बता दिया, जिनको पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, कुवते मुदाफत कम हो जाती है, उसको देते हैं। पेडिट्रॉल होता है ये बेचारे बच्चों को देते हैं जिनको दस्त वगैरह लगे हों, यानी कि मोशन आ रहे हों, जिनको उल्टियां कर रहे हों उनको। फंक्शन क्या है कबूतर को देने का, फंक्शन ये है कि आपने ये जरा अच्छे वाला मेरी बात सुन ले, आपको ORS का पैकेट कहते हैं इसको, ORS, लेकिन कंपनी आपने पेडिट्रॉल के लिए नहीं है, गल वही है, मेरी कोई कमीशन नहीं है। आहो नहीं वो तस्वीर में साथ आपकी तस्वीर आ रही है, ये पेडिट्रॉल ORS का कहते हैं। ORS बड़े बड़े घटिया वाले भी हैं, 5-5, 10-10 रुपए वाले भी हैं, कभी ना ले। पेडिट्रॉल कंपनी, मेरे कोई कमीशन नहीं है ये ना कल, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया पेडिट्रॉल कंपनी, इसी का अच्छा है, ठीक है। पहले तो था कोई 17 रुपए 16-17 का, ये भी कोई 40-45 का हो गया यार, बड़ा महंगा हो गया, लेकिन अच्छे वाला यही है, एक ले लें। करना क्या आपने, कबूतर जब उड़ाती है ना आपने सुकून से आराम से अब कबूतरों को देखना है कि हाँ जी की हो रहा है, आपने 1/2 लीटर बोतल लेनी है, वो जिड़ी चस्के लेके, भाई मैंने तो बंद कर दिए, इसराइल का बायकॉट किया हुआ है, कोई बोतल नहीं ना, लोकल बोतल पी लेनी है, 7-Up, स्प्राइट सब बंद, सब खत्म कर दिए हैं। आपने 1/2 लीटर कोई भी जो चस्का लेके बोतल पीते हैं ना, ये जो दूध सोडा बंद है हुन रमजान मुबारक के बीच, जो हमने अफ्तारी के नाल जो दूध सोडा पियोगे ना, वो खाली बोतल एक ले लेनी है 1/2 लीटर वाली, 1/2 लीटर पहले बता रहा हूँ, लीटर के ना हो 1/2 लीटर हो, आपने भर लेनी है इसको 1/2 लीटर की बोतल। अब आपने पेट्रोल का पैकेट खोलना है, पैकेट खोल के इसके अंदर जितना पाउडर है ना आपने उतना निकालना है, कि उसके बाद आपने इसको पैकेट को 2 दफा और इस्तेमाल करना है, मतलब इसके 3 हिस्से कर लेने हैं पाउडर के। ऐ नहीं करना कि ऐ बोतल 1/2 लीटर के पूरा पा दिता थे, वो लो जी कबूतर हो गया, फड़ के याद रखिएगा कबूतर के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। पिलाना कैसे है, आप समझ ले इस पैकेट के आपने 3 हिस्से कर लिए पाउडर के, ठीक है, एक हिस्सा सिर्फ पाउडर का ऐसे करके ना, जब आप ये इसको कट करेंगे यहां से, आपने बोतल के अंदर एक हिस्सा सिर्फ डालना है, बाकी 2 हिस्से अगली बाजी के लिए रख लेने हैं। एक हिस्सा डाल के आपने कबूतर की बोतल को अच्छी तरह हिलाना है, वो फौरन पानी की तरह का पानी, जिस तरह पानी होता है उस तरह बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, वो कुनाली पकड़ी था, एक मिनट ये कुनाली पकड़ना, मैंने ना क्या होता है जब बाजी होती है ना, सब कुछ कुनालियां बंद, छत बिल्कुल क्लोज हुई होती है, ये देखे कुनाली होती है ना, ये तो बड़ी है कुनाली, एक छोटी कुनाली भी है, ये 1/2 लीटर कुनाली में डाल के ना इसको ढांप के ना मैं नुक्कर पे एक साइड पे रख देता हूं, जिस दिन बाजी होती है, ये पानी बनाया हुआ 24 घंटे तक खराब नहीं होता, धूप में नहीं रखना, छांव पे रख दें। जैसे कबूतर आता है ना, मसल फर्ज कर ले कबूतर एक आया आपका, बड़े आराम से आके जाल पे बैठ गया, इंशाल्लाह नुस्खे पे मेरे, कोई मुझे ना कहे कबूतर आके इंज डिग गया, मैं कबूतर बाजी छाड़ देनी, जरा मेरा कबूतर इंज आके डिगेगा, मेरे नुस्खे पे फ्रेश बैठेगा, ठापे मारता हुआ बैठेगा, ये भी मैं बता रहा हूँ, टेम्परेचर 45 ऊपर जो ठापे मारता हुआ बैठेगा कबूतर, चैलेंज करके कह दे कि कबूतर कार बैठेगा उससे बैठेगा, बिल्कुल फ्रेश बैठेगा। देखे यार वजन कम हो जाएगा उसका, बिल्कुल जीरो हो जाएगा वजन, लेकिन ये नहीं है कि मुंह किबला करी तो ऐन थले डिग पे है, ऐ नहीं होएगा। अच्छा कबूतर आया, आपने 15 मिनट उसको बाहर आराम से, ऐ नहीं करना सोटियां मार के उन्हें अंदर कर देता है, नहीं उसको 15 मिनट देने दे, वो जरा अपनी सुरत कायम कर रहे हैं। अगर तो आपका हाथ आराम से जा रहा है आप उसको पकड़ सकते हैं तो फिर छिक्कू मार के पकड़ लें, नहीं तो आराम से रहने दें। कबूतर जैसे ही आए उसको आराम से पकड़ के उसके जरा पंजे हल्के से दबा के ना उसको जाल में छोड़ दें, ठीक है, ऐसे छोड़ दें। अब वो 15 मिनट के बाद ना पानी ढूंढने के लिए खुद जरा सर्च करेगा कितने कुनाली पही है, क्योंकि वो मर रहा होगा उस पानी की प्यास से,
उस वक्त आपने ये ORS वाला पानी ये उसको पिलाना है। और किस तरह पिलाना है, कुनाली आपने साइड पे हटा देनी है। अगर ढांपी है, मैं ढांप के रखता हूँ कुनाली, कबूतर आया है, आपने कुनाली कुनाली के पास ही खड़े हो जाना है। सिर्फ उसको एक चोंच लगवानी है जिसमें वो तीन घूंट भर ले, चुस्की भर ले। चुस्की से कैसे होती है, ऐसे करके तीन दफा वो पानी भर ले। पेट भर के नहीं पिलाना उसको, मेरी बात याद रखिएगा। जैसे ही वो तीन आपको नजर आएगा, यार देखिए आप भी कबूतर परवर है, आपने देखा होगा वो जैसे तीन चुस्की भरे उसको हाथ से ऐसे पीछे कर दे, फौरन पीछे कर दे उसको। अब आपने उसको पानी नहीं पिलाना, एक चोंच लग गई है, तीन चोंचे बिल्कुल इसी तरह लगवानी है आपने, सिर्फ तीन चोंचे। मेरी बात सुन ले, पोट नहीं भरना उसका, कबूतर के लिए नुकसानदेह भी होता है। कबूतर को अगर ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए, आप कबूतर को दोबारा हाथ पीछे कर लें, कबूतर फिर आगे होगा, उसको चोंच मार के चुस्कियां तीन जैसे भरे पीछे कर दे। फिर उसको तीन चोंचे लगवानी है इस तरह आपने, कि तीन दफा तीनों चोंचों में तीन दफा वो सिप कर जाए। पहला मरहला आपका पूरा हो गया। अब आपने कबूतर को बड़े आराम से ना साइड पे बिठा देना है, पानी कुनाली बंद करके साइड पे रख देनी है। इसका फायदा क्या होगा आपको, कबूतर ने जब वो पानी पिया है, पानी पी के कबूतर के इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड के अंदर एक उसके समझ ले सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से कबूतर डल हो जाता है। ORS ये जो है ये पानी उसको बेहतरीन रिफ्रेश करने का सबसे अच्छा जरिया है। ये मैं हमेशा बड़े अरसे से लगाता आ रहा हूँ। ये जो उस्ताद कहते हैं ना जी, ऐ जो पानी बने है ना, तनु नहीं पता एने विच मैं 18 दिन दे सुचे मोती वाड़े एने विच। वो कोई सुचे मोती नहीं होंगे जो मैं तुम दस रहा, या तो सौंफ वाला पानी होता है, तो सौंफ वाले पानी से ये सबसे बेहतरीन है ORS का। अच्छा वो हो गया जी, एक बात हो गई। अब आपने क्या करना है कबूतर की संभाल का, यहाँ पे दो मैं आपको बातें बता दूं जो नुकसान होने का अंदेशा होता है। यार वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन सीख लो यार, ये का काम आएंगी। दो चीजें, अगर कबूतर फर्ज कर ले अब बैठा हुआ है और आपने उसको अब आधा घंटे के बाद खुला पानी देना है, मेरी बात सुन ले। अब कई लोग यहां पे पता क्या कहते हैं, मसलन आपने अब आधा घंटा देखा कि कबूतर अब जरा होश में आ गया, उसको फिर खुला पानी डाल दें, ठीक है, और फिर जितना मर्जी पीने दें, कोई मसला नहीं है। यहां पे सिर्फ समझने वाली बात है, जिस वक्त कबूतर को आप देखेंगे उसका पोट भर गया है और कबूतर गर्दन अकड़ रहा है, कबूतर को फौरन पलटा दें। मेरी बात सुन लें, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सवाल का। अगर कबूतर ने पानी पिया है और वो ठाप मार के बैठ गया और फ्रेश बैठ गया, एक गर्दन को ऐसे नहीं कर रहा, यानी कि जिस तरह पानी नीचे नहीं जा रहा उसकी, वो ऐसे से कर रहा होता है, उसी वक्त कबूतर को पकड़े, उसको पोट पलटा दे और उसको छोड़ दे, पानी नहीं पिलाना उसको। और अगर वो फ्रेश बैठ गया, समझे कबूतर सेफ है, बच गया है, उसको सेफ हैंड में आ गया कबूतर। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आया है, जब ये खुला पानी पी ले और सेफ बैठ जाए तो आपने उसको दोबारा जो पानी पिला, वो अगर वो मुंह ऐसे कर रहा है कि पानी नहीं जा रहा, उसका पोर्ट पलटा के 15 मिनट बाद फिर खुला पानी पिलाए, इंशाल्लाह पी लेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि ये अगर हो सकता है, लोग कहते हैं जी कबूतर आया है उन्हें 20 cc देके पलटा रहे ने, यार क्या जरूरत है पलटाने की, यार आपको कोई उल्टी जबरदस्ती करा तुसी और लंबे पै जाओगे। कबूतर का भी सेम यही है, आप जबरदस्ती उस उल्टे ना कराओ, सिर्फ कब कराना उसका पोर्ट कब चेंज करना, जब वो पानी ना पी रहा हो, अंदर फंसा हो पानी उसके, उसके बाद आपने समझ लिया फ्रेश हो गया कबूतर, पानी शानी पी के अब वो आपसे दाना मांगेगा। अब वो आएगा तो नीचे चोंचे मारेगा कि यार मैंने दाना दे, उस वक्त आपने उसकी एक संभाल सबसे पहले करनी है जो सबसे जरूरी है। आपने दूध आपने लौंग वाला अब नहीं देना, याद रखिएगा जिस वक्त कबूतर प्रवास करके आ रहा होता है ना, उसको हमेशा हल्दी वाला दूध देते हैं। हल्दी वाला दूध मैंने आपको बताया था, एक कप ले लें, एक पाव दूध होता है, सुन ले, एक कप जो होता है ना ये मग जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक पाव दूध तकरीबन आ जाता है। आप एक पाव दूध उसमें ले ले, उसके अंदर आपने क्या करना है, यानी कि वो उसमें मग के अंदर चाय का छोटा चम्मच होता है, छोटा चाय का चम्मच, मेरी बात सुन ले बड़े गौर से, छोटा चाय का चम्मच आपने पहाड़ी नहीं बनानी उसकी, बिल्कुल हल्का सा बराबर करके उसमें डाल के मिक्स करके आपने रख लेना दूध को। दूध ठंडा ना हो, पहले मैं बता रहा हूँ, दूध ठंडा ना हो, बॉयल हुआ हो लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा पड़ा हो, उसमें आपने कप के अंदर एक हल्का चाय का चम्मच हल्दी वाला डाल के आपने क्या करना है, एक आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है दवा अल मस्क ज्वारदार, ये आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और आम जितने भी ये जो हकीमी जो दुकानें हैं ना सबसे मिल जाएगी। दवा अल मस्क ज्वारदार बेसिकली माजून है, बड़ी ही जरूरी है, ये फौरन रिकवर करती है कबूतर को।
कबूतर को भी, इंसानों को भी रिकवर करती है बड़ी जल्दी, उसकी कुव्वत मुदाफत बढ़ाती है। हल्दी का काम क्या है? हल्दी बेसिकली जो होती है ना, ये कुव्वत मुदाफत बढ़ाती है। आपकी डिहाइड्रेशन जो होती है ना, उसको तो आपने वो कवर कर लिया पेडिट्रॉल से, लेकिन आपको ताकत जिस्म को फौरन वो देती है। कई लोग पता की कहते हैं यार अनारदाना बना, यार की कहते हैं जो ठंडी चीजें होंगी ना, कहते हैं कबूतर को वो दो। मेरी गल याद रखना, कभी देख लो, चलो मैं तुम्हें उत्तर कह रही हूं, कबूतर ठंडा होकर अकड़ जाएगा, पट्ठे दोबारा उड़ेगा ही नहीं, परवाह छोड़ देगा अपनी, लो आधा घंटा भी उड़ गया मैं कबूतर बाजी छाड़ देगा। कभी ठंडी नहीं चीज देनी चाहिए, हमेशा दूध के अंदर उसको देना चाहिए। याद रखे कभी कोई गर्म चीज दे दूध के अंदर दें, दूध मोतदिल होता है, उसकी तासीर को खत्म कर देता है, गर्माइश को, गर्माइश मिलती है उसको। आपने क्या करना है, दवाल मस्क चुके ना, उसकी चने से थोड़ी सी बड़ी बड़ी गोलियां बना लेनी है पहले ही। मैं तो बना के ना कोई 8-10 ऐसे से करके हम रख लेते हैं, एक गोली उस वक्त कबूतर को दे के साथ 10 सीसी, 20 सीसी नहीं देना, 10 सीसी दे के कबूतर को आपने उसकी जगह पे छोड़ देना है। 15 मिनट बाद उसको दाना डाल दें या भोरे डाल दें या आपका जैसे दिल करता है। खुराक मैं अगले दिन डालता हूँ, मैं खुराक उस वक्त नहीं देता, लेकिन मैं उसको देसी घी वाले हल्के से भोरे दे के ना, बाजरा और ये गंदम वगैरह ये दे देता हूँ ताकि वो अपने जिस्म को कर लें। ये थे जी उसकी संभाल का तरीका, आपको देखिए पूरा बताया क्यों, क्योंकि यार कबूतर की संभाल बड़ी जरूरी है। अगर आप बादाम देना चाहें तो बाद में कोई आधे घंटे बाद बादाम से आप भी दे सकते हैं कबूतर को, लेकिन कबूतर आपसे खुराक मांगेगा। अगले दिन जिस दिन उसकी रेस्ट है, रेस्ट वाले दिन आपने क्या करना है, कबूतर को आपने निकालना है आराम से, उस वक्त आपने उसको लौंग हल्दी वाला दूध 20 सीसी कबूतर को, लेकिन उससे पहले आपने खुराक लगानी है बादाम की। मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों कि बादाम खुराक बड़ी जरूरी है कबूतर के लिए। देखिए कबूतर एंड हुआ था, उस वक्त आप उसको 15 पे लगाया हुआ है, 15 गोलियां, गोले नहीं बनाने एडे बड़े, आराम से जो आप उतार सके उसकी गर्दन में। खुराक का तरीका भी बताएंगे इंशाल्लाह किस तरह बनानी होती है, ठंडी खुराक गर्म खुराक दोनों बताएंगे। वो कह रहे जी निस्वार दी गोली ना बना देना, लेकिन चने की जो चने होते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी बड़ी गोलियां बनानी है। कबूतर को एक दे के रात को और साथ 10 सीसी सिर्फ हल्दी वाला दूध उसको 10 सीसी दे के जगह पे छोड़ देना, बाद में हल्का सा दाना डाल दें ताकि वो कर जाए। अगले दिन सुबह आपने उसको लाजमी उसको खुराक देनी है, पहले 15 दे दे गोलियां, 10 दे दे, वो आपकी मर्जी है जितना कबूतर को एडजस्ट कर देता है। साथ उसके आपने 20 सीसी लौंग और हल्दी वाला दूध 20 सीसी वो कबूतर को दे के धूप में छोड़ देना है। लो 2 घंटे बाद इंशाल्लाह कबूतर कहेगा जरा मैं बाहर छाटे मैं जरा उड़ के आवा। ऐसा शानदार आपको मैंने ये नुस्खा बताया, कबूतर कभी कमजोरी में नहीं जाएगा। ये था जी तरीका के संभाल का। और पिछली दफा कबूतर गिरने की एक वजह मेन यही थी कि हम संभाल नहीं कर सके। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया नुस्खा ये नहीं करना डेली ला रहे हो या हफ्ते दे जलाई जा रहे हो कबूतर, और अगर लगा भी रहे हो ना 2 दफा हफ्ते में तो संभाल करो यार उसकी, जो मैंने आपको तरीका बताया। संभाल नहीं करोगे कबूतर डिगेगा डिगेगा, मैं तानू कह रहे नुस्खे में कमी नहीं है। देखे मेन चीज संभाल है, नहीं करोगे कबूतर डिग पाएगा। फिर तुम मनु कहोगे क्या है ये संभाल, लो फ्लायर हाई फ्लायर पट्टी वाले रेसर कबूतर सबके लिए यही संभाल है, एक ही संभाल का तरीका है। मैंने जो आपको बताया नुस्खे की आपको सारी तरीके अब बताए, आपको आज आपको संभाल का तरीका बताया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ तुहाडा। खैर समझ आ जानी चाहिए यार, देखो ये सीख लो, ये ट्रिक्स हैं कबूतरों के। आगे बेस बसाखी की बाजी आ रही है, और वैसे भी रमजान मुबारक है यार, नेक काम करते रहे, नमाजा नमूजा पढ़ते रहो। मैं तुम दस रहा कि आजकल बड़ी अमवात भी बड़ी हो रही है, ना खानी अमवात। इसलिए देखिए अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन देखिए जिसे कहते हैं नए काम करते रहे। ठीक है जी, हार जीत का खेल कैसा है, हार जीत खेल कैसा है, लेकिन मौत सबके हिस्से की है। अपना बड़ा ख्याल रखें, मैं शुदा कुरैशी आपका होस्ट, वीडियो यार सॉरी लंबी हो गई लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने आपको कहा। और रोजा कोई ना छोड़े यार ना, ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये साल में एक बार आती है, पता नहीं अगले साल नसीब होनी या नहीं होनी है, और जिसके जिसके इतने इसके स्वाब है आप बस सोच नहीं सकते। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, और अफ्तारियां अच्छी अच्छी करो यार, थोड़ी सेहत बनाते रहोगे तो रंग काला ही होने। लो जी जरा अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।